नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में मंगलवार रात मावा मिल के पास बनी मिल कर्मचारियों की पेढ़ी के ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग ने पास की कुछ दुकानों को भी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना बंद हो चुकी मालवा मिल परिसर की है। यहाँ मिल मजदूरों की पेढ़ी में अचानक आग लग गई। पेढ़ी के ऑफिस में धुआं और आग देख लोगों ने इसकी सूचना फायर की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। आग ने पास की कुछ दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। आग कैसे लगी फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आशंका है कि किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है, जिसकी पुलिस और फायर की टीम जांच में जुटे हैं। हम लोगों को जो है मालवा मिल के पास में कोई पेढ़ी या संस्था है उसके अंदर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि जो है पीछे की साइड में मालवा मिल पेढ़ी के कर्मचारियों की जो है कर्मचारियों की कोई पेढ़ी वगैरह है उसके अंदर आग लगने लगी थी, जिसको हमारे द्वारा दो गाड़ी तीन चार टैंकर पहुँच के हमारे द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। नहीं, दुकान वकान वगैरह नहीं जली एक भी। इसके पीछे की साइड नहीं, कोई दुकान नहीं जली है। इसके पीछे की साइड पेढ़ी जो बना रखी थी इन लोगों का संस्था मालवा मिल की कर्मचारियों की जो संस्था थी, इसके अंदर आग लगी थी। पूरी बुझा दी गई है आग पूरी कंट्रोल। अभी कारण और नुकसानी का आकलन कुछ नहीं किया गया है। अभी करीब 30 से 40 हज़ार लीटर पानी लगा दिया है और आग का कार्य जारी है अभी फिलहाल। संतोष कुमार दुबे, प्रभारी पुलिस महास्टेशन गांधी हाल इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम्स स्मार्ट टीवी ऐप।